ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक ने कर दी दे दनादन धुलाई। जी हाँ, वो बुरी नजर वाले मामा की। वैसे ये ना शुरू में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि घर वालों के सामने पूर्व मामा को बेनकाब कैसे किया जाए, क्योंकि एविडेंस की भी तो जरूरत होती है ना। जिस नजारे को देखने के लिए नायरा की आंखें न जाने कब से तरस रही थी, वो नजारा नायरा सहित जब पूरे घर वालों के सामने आया तो सबका दिल दहल गया। बाबा रे बाबा, कार्तिक को क्या हो गया? पूर्व मामा की आज वो धुलाई कैसे कर रहा है? बस क्या है बताओ तो किया मेरी बहन के साथ, मेरी बीवी के साथ। अरे किया क्या है बताओ तो सही। मुझे बहुत दुख हुआ और दर्द तो अलग हुआ है, बहुत मारा उसने। और आई डोंट नो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मतलब मेरा बच्चा किटू कार्तिक मुझे मारेगा। कहीं उसे किसी ने कुछ शायद चाबी लगाई है। अब नायरा ने अपने पति कार्तिक को वो सब बताया जो उसने अब तक झेला। हालांकि कार्तिक को नायरा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, वो तो अपनी पत्नी से सबूत मांग रहा था। नायरा फाइनली सारी चीज़ें कन्फेस कर दी है कार्तिक को। और वो इससे पहले जब कार्तिक कहते हैं किसी से बात कर रहे होते हैं कि मुझे प्रूफ चाहिए पूर्व मामा के खिलाफ अगर कुछ खराब बोल रहा है, लाइक कार्तिक इज लाइक यू नो तुमने बता दिया मुझे, एंड सो दैट इज इनफ। लाइक इफ नायरा टेल्स मी के दिस इज दिस तो दिस इज दैट, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इसे हमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ वो आते हैं और पूर्व मामा को धो देते हैं। कार्तिक की आंखों ने जैसे ही पूर्व मामा के खिलाफ सबूत देखा, फिर क्या, उसने तो अपना आपा ही खो दिया। घर वाले भी चौके और भागते भागते आ गए दोनों को छुड़ाने के लिए। कार्तिक के नाम का जैसे गोयनका परिवार में हल्ला ही मच गया। अब मामा जी की करतूत नायरा और कार्तिक के सामने आई है। घर वाले तो अभी भी उन्हें सज्जन मानते हैं। क्या कहा इन्होंने? गलत तरीके से छुआ इन्होंने मेरी बहन को, मेरी बीवी को। शराब जस्ट शराब, जरूर कोई गलत फहमी हुई हो इसी को, आई डोंट नो। लेकिन अब पूर्व मामा को अच्छी तरह जानते हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता, आपको मानना पड़ेगा। अब नायरा और कार्तिक ने एक अलग ही प्लान बना लिया है। गायू और समर चाचू के संगीत पे मास पार्टी चल रही है, जहां पर नायरा और कार्तिक ने एक सॉलिड प्लान बनाया है। नायरा मामा जी को उकसाएगी, छेड़ेगी और फिर क्या, मामा जी उसके पीछे पीछे आएंगे, उनके पीछे पीछे फिर कार्तिक आएगा और कुछ इस तरह मामा जी की पोल पट्टी पूरे खानदान के सामने खुलेगी। नायरा ने इस दिन का इंतजार कब से किया था?
नायरा के सब्र और हिम्मत की हर किसी को दाद देनी चाहिए। अब इतना बड़ा हंगामा हुआ ये देखकर हमें तो नहीं लगता है कि मामा जी शादी तक रुकेंगे, उन्हें तो लगता है शादी के पहले ही रवाना कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।